हेलो एवरीवन, दिस इज पटना लाइट। और आज जो एग्जाम हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, एग्जाम समाप्त हो जाए, कैंडिडेट बाहर आने शुरू हो। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, क्या से पर क्या फीडबैक रहता है। एंड मेक श्योर इस फैक्टर चैनल सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। हाँ, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस में ही थे सर। और वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स जो रहता है, वो फिजिक्स में वर्क निकालना था, पावर निकालना था और वेलोसिटी दिया हुआ था, सेशन निकालना था। मतलब बेसिक नॉर्मल फिजिक्स के मैथ्स थे, सिंपल ही था। मतलब कोई वैसा ग्रेजुएशन लेवल वगैरह वैसा कुछ नहीं था? नहीं नहीं, 12 लेवल का, 12 लेवल का था। ओके, क्या अटेम्प्ट रहा आउट ऑफ 60 मैथ्स एंड फिजिक्स मिला के? अटेम्प्ट ऑल था, नॉन नेगेटिव था तो। हाँ हाँ, लेकिन फर्स्ट बार में 90 मार दिया, फिर 30 मार दिया। अच्छा, मतलब टोटल 120 में 120 सारा अटेम्प्ट किए। ओके, एंड हाउ एक्यूरेसी के साथ क्या अटेम्प्ट रहा? एक्यूरेसी 80% होगा। 80%। और बाकी जो क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश सेक्शन के क्वेश्चंस थे वो कैसे थे? इंग्लिश दो पैराग्राफ से था, साइनोनिम्स एंटोनिम्स था। हाँ हाँ, और एसटी था। अच्छा, जंबलिंग। ओके ठीक है। और रीजनिंग कैसा था? नॉर्मल एसएससी पैटर्न या फिर थोड़ा बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड था? रीजनिंग एबीसीडी टाइप का था और रीजनिंग सिंपल ही था, मतलब एसएससी पैटर्न बेस्ड। डायरेक्शन वाला था, राउंड टेबल वाला था, स्क्वायर वाला था। अच्छा अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से दो था, सिंपल सिंपल था। अच्छा, एक ही बार में आंसर आ जा रहा था। अच्छा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्वांटिटी प्रॉफिट लॉस से दो क्वेश्चन था। और प्रॉफिट लॉस से ही था, दो तीन क्वेश्चन, और परसेंटेज था और सिंपल कैलकुलेशन था। अच्छा, जैसे 2.3 × 5 इस टाइप का। तो गेस करेंगे कट ऑफ क्या पॉसिबिलिटीज? कट ऑफ हर बार की तरह 90+ हो जाएगा। 90+। ओके, आई विश यू रिजल्ट ऑल द बेस्ट। क्या कैसा रहा पेपर? मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस में ही? ओके, क्या पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। कैसा क्वेश्चन कैसे आए? मतलब जैसा सोचा था वैसा ही है, कुछ चेंजेस भी दिखा? कुछ चेंजेस था डोमेन से, डोमेन क्वेश्चन उसमें कुछ टफ थे डोमेन वाले। 50% क्या अटेम्प्ट रहा डोमेन में? डोमेन में 10 छोड़े मैंने। 10 छोड़े यानी 50 अपने अटेम्प्ट करा। ओके, टोटल ओवरऑल अटेम्प्ट? ओवरऑल अटेम्प्ट 112। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। अच्छा, कैसा रहा दोस्त? बढ़िया हो गया। कैसा रहा पेपर? कैसा रहा? हाँ हो गया। कैसा रहा पेपर? बढ़िया। क्वेश्चंस कैसे आए? मॉडरेट टू हार्ड। मॉडरेट टू हार्ड। ओके, और जो डोमेन सब्जेक्ट था वो कैसा रहा? डोमेन सब्जेक्ट का उसमें 11th और 12th दोनों का था। अच्छा, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है? हाई लेवल नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, मैंने प्रिपेयर भी ज़्यादा बढ़िया से किया था। अच्छा, तो जो फिजिक्स या जो मैथमेटिक्स जो डोमेन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे वो थोड़ा मतलब इजी वन या थोड़ा कैलकुलेटिव था? थोड़ा सा हम करने की जरूरत पड़ी थी। इजी बोल रहे थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था। डोमेन सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट हो पाया विथ एक्यूरेसी? 80%। एंड बाकी क्वांट एंड रीजनिंग कैसा लगा आपको? वो सब बिजी था। मतलब आउट ऑफ 60 उस पार्ट में कितना सही हो जाएगा? आउट ऑफ 60 तो कंफर्म तो बोल नहीं सकते अभी, फिर भी एक रफ आइडिया। एक रफ आइडिया यही 50 के आसपास। 50 के आसपास। एंड कोई गेस कट ऑफ का लेकर के? गेस तो वही है पिछले बार जैसे 95 प्लस। ओके, आई विश फॉर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। कैसा लगा पेपर? सही था, देखा जाए तो इंटरमीडिएट लेवल का जो मैथमेटिक्स होता है और जो फिजिक्स का जो लेवल है वही था। ओके, बाकी जो जनरल अवेयरनेस है रीजनिंग का है, जो रहता है कोडिंग डिकोडिंग। हाँ हाँ हाँ, वही है। अच्छा, जो रीजनिंग थी बैंकिंग पैटर्न बेस्ड था या फिर एसएससी बेस्ड? एसएससी बेस ही लगा। मतलब इट इज इजीयर। ओके, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी कुछ ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं कह सकते। नहीं कह सकते हैं, स्कूल लेवल तक जो एसएससी का होता है नॉर्मली, एलडीसी वगैरह उस टाइप का। अच्छा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का? क्वांटिटी एप्टीट्यूड का 20 बस। मतलब टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चन थे, किस किस टॉपिक से रहे थे? टॉपिक वाइज यस, प्रॉफिट लॉस का था, परसेंटेज का था। हाँ हाँ, और एवरेज का क्वेश्चन था। ओके, अच्छा, एनी डीआई क्वेश्चन? डिस्काउंट के क्वेश्चन, डीआई वगैरह कुछ नहीं था? नहीं था। ओके, और इंग्लिश सेक्शन से क्या क्या टॉपिक रहा था? इंग्लिश में एक
पैराग्राफ था कंपरेंसिव टाइप का। अच्छा अच्छा। और उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ चाहिए। अच्छा अच्छा। कुछ प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स होते हैं। अच्छा अच्छा। और जो पैराग्राफ था फिक्शनल या नॉन फिक्शनल स्टोरी? नॉन फिक्शनल स्टोरी टाइप का। अच्छा नॉन फिक्शनल। फिटनेस से रिलेटेड था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब पेपर कटिंग टाइप का कुछ होगा। पेपर कटिंग टाइप। ओके। उसमें सेंटेंस अरेंजिंग का कुछ क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। इंग्लिश के 160 में क्या अटेम्प्ट रहा विथ एक्यूरेसी? मुझे लगता है 85 अप्रोक्सीमेटली। एनी गेसेस फॉर द कट ऑफ? एनी गेसेस फॉर द कट ऑफ? कट ऑफ का मुझे उतना कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। वैसे पिछले बार का अगर देखा जाए तो 85 प्लस 87 अप्रोक्सीमेटली। ओके आई विश फॉर गुड रिजल्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा रहा? हो गया पेपर के बाद? अच्छा अच्छा। ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ पेपर? बढ़िया गया। बढ़िया गया। आपको कैसा रहा? रहेगा पेपर को लेके लेंदी था। लेंदी मच अनएक्सपेक्टेड लाइन या उससे अलग भी? क्या मच अनएक्सपेक्टेड लाइन या उससे थोड़ा अलग? एक्सपेक्टेड था, इजी था, मतलब मैथ और फिजिक्स तो इजी था। अच्छा। और बाकी लेंदी मतलब टाइम नहीं बचा, वही टाइम नहीं बचा, लेंदी था बस। अच्छा कितना अटेम्प्ट हुआ विथ एक्यूरेसी? एक्यूरेसी के साथ 80-90। 80-90 मतलब कितना एक्यूरेसी है? एंड एसी एनी गेसेस फॉर द कट ऑफ? कट ऑफ में भी 100 पार भी हो सकता है। 100 पार मतलब इतना इजी? नहीं नहीं, पिछले बार तो गया था ना, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा पिछले बार था, गया था ना 100 था समथिंग। 100 शायद पिछले बार। अच्छा ठीक है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग का लेवल क्या था? थोड़ा बैंकिंग पैटर्न लास्ट में बनाया तो इस वजह से मतलब टाइम नहीं मिला। पहले मैथ फिजिक्स अटेम्प्ट किया, उसके वजह से टाइम नहीं मिला वो बनाने के लिए। अच्छा मतलब फिर भी पैटर्न तो आइडिया लगा होगा ना कि बैंकिंग पैटर्न बेस्ड था। पैटर्न इजी था, मतलब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी इजी लेवल था। इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट बस वही। ओके आई विश योर रिजल्ट आपका ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा, कैसा पेपर का लेवल है? लेवल ठीक ही था, ज़्यादातर 2 साल से 12 का आ रहा था, इस बार 11 का ज़्यादा पसंद था। अच्छा ये दिक्कत हो गई इस बार। ओके जो क्वेश्चन थे फिजिक्स और मैथमेटिक्स से जो कोर सब्जेक्ट था आप लोग का डोमेन, कैसा क्वेश्चन था? मतलब कैलकुलेटिव वन या फिर इजीली? नॉर्मल ही था, ठीक ही था, जैसा होना चाहिए वही था कि चेंज कर दिया 12 से नहीं कुछ 11 ज़्यादा। अच्छा कितना पोर्शन होगा 11 का? ज़्यादातर लगता है कि 60% से ज़्यादा। 60% से ज़्यादा। कितना अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ 60 आप उसमें? अटेम्प्ट तो सारे कर दिए, नेगेटिव हां नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, सब कर दिए मतलब पूरा 120 अटेम्प्ट। हां आप देखिए क्या रिजल्ट वो बताएगा। तो एनी गेसेस फॉर द कट ऑफ? कट ऑफ भी मुझे इस बार नीचे होना चाहिए पिछले बार से। अच्छा 90 का होगा, 90 के आसपास। ओके इंग्लिश कैसा लगा आपको? इंग्लिश ठीक पहले जैसे है, मतलब इजी। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वो भी पहले जैसा था, उसमें जो मेन वही डिसिप्लिन जो था ना। अच्छा। उसी में एक बार जरा फेल हो गया, बाकी सब ठीक। ओके डोंट लूज होप, आई विश योर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। सो ये अपडेट रहा, इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। देखते थे बटन लगे, मेक श्योर इस एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।